हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ मैं हूँ गौरी। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो आज का रेसिपी है मसूर का दाल और मेथी। आज हम बनाएंगे मेथी साग और दाल। तो मैंने एक बार मसूर का दाल लिए और मेथी साग, प्याज और लहसुन। तो मैंने मसूर का दाल बॉयल करके ले लिए, तो यह हम साइड करके रख देंगे। तो मैंने दाल पहले बॉईल करके ले लिए। इसमें मैं डाला एक टमाटो, दो हरी मिर्च और नमक और हल्दी। तो मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए। तो चलिए हम अभी बनाते साग दाल। तो कढ़ाई बैठा दिया, तेल भी दे दिया। मैं अभी दूंगी थोड़ी सी जीरा, अभी दूंगी लहसुन, अभी मैं दूंगी प्याज, ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेंगे। जैसे हम रेगुलर दाल बनाते हैं ऐसे ही बनाने का, सिर्फ इसे में ऐड करने का। मेथी साग बहुत टेस्ट होते हैं। अभी मैं इसे में ऐड करूंगी थोड़ी सी धनिया पाउडर और ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी जीरा का पाउडर। थोड़ा मिक्स कर देंगे। अभी मैं इसे में ऐड करूंगी मेथी का साग। ये ज्यादा फ्राई नहीं करने का, हल्का ये तो देने का, दाल इसमें ऐड करने का। बस इसमें मैं अभी दाल जो बॉईल करके रखती हूँ ऐड करूंगी। इसमें दाल में टमाटो, मिर्ची, हल्दी, नमक सब इसमें मैंने एक साथ में दाल तभी बॉईल किया तभी दे दिए थे। अभी थोड़ा मिक्स कर देंगे, क्योंकि मेथी साग ज़्यादा पकाने का नहीं, क्योंकि जो कच्चा कच्चा जो हाफ बॉयल होते हैं ना, वो अच्छा खुशबू भी आता है और टेस्ट बहुत अलग आता है। इसी में थोड़ी सी मैं पानी ऐड करूँगी। इसी में मैं थोड़ी सी पानी ऐड करूँ। अपना हिसाब से रख सकते हो, मोटा पतला कोई भी दाल से बना सकते हो। मैं मसूर का दाल लिए, इसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा उबलने दीजिए, ज़्यादा हमको उबलने का नहीं, क्योंकि ज़्यादा पक जाता है साग तो टेस्ट नहीं होंगे। जब ही उबल लेंगे तभी हम निकल देंगे। दाल देखिए उबल गए, तो मेरा साग दाल हो गया। इसी में मैं अभी ऐड करूँगी थोड़ी सी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती दाल साग मेरा बन के हो गया। अभी मैं निकल रहा हूँ, सब करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा दाल साग बन के रेडी है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नया वीडियो का साथ। ओके, बाय बाय।